गुड आफ्टरनून टेस्ट, मैं साजिश खेर नगर मुंसिपल सेकेंडरी नंबर 1 से आज फिर से आपका साइंस 1 सब्जेक्ट में स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक हम आपको जो है साइंस 1 में लेसन पढ़ा रहे हैं। एक आज नया टॉपिक जो आपके सामने जो है प्रस्तुत करना है हमको, ये पाठ का नाम है अम्ल भस्म और सॉल्ट, सॉरी लवण, अम्ल भस्म और क्षारक जिसको कहते हैं। स्क्रीन पर आप इसको हंसते जाइए, मैं शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन पर देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगी बात को। नाइन्थ क्लास कक्षा 9 हम लोग जो इसमें जो टॉपिक देखने वाले हैं अम्ल क्षारक और लवण, एसिड बेस एंड सॉल्ट जिसको हम कह सकते हैं। इसमें हमारा टॉपिक है आज जो है आयनिक यौगिक और विद्युत वाहन, विद्युतीय अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस, पानी का अपघटन। तो सबसे पहले हम लोग जो है यौगिक, आप भली बात ही छोटी कक्षाओं में देख चुके हैं, जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है आयनिक यौगिक है क्या एक्चुअली में। तो आयनिक यौगिक हमने तुम्हारे ही बुक से जो ये बात को जो है कलेक्ट किया है कि जब आयनिक यौगिक पानी में घुल जाता है तब उसका जलीय विलयन बनता है। ठोस आयनिक यौगिक में विपरीत आवेश वाले आयन एक दूसरे से अबाध्य होते हैं, यानी बंधे हुए होते हैं। आयनिक यौगिक पानी में घुलने लगता है तब पानी के अणु यौगिक के आयनों के बीच जाकर के एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, अर्थात जलीय विलयन बनते समय यौगिक का आयनिक यौगिक का निर्वियोजन होता है। अर्थात मैं ये बताना चाहता था कि यौगिक जो है आप जानते हैं कि जैसे कि नमक है और पानी है और दूसरी चीजें आप शुगर है, ये सब यौगिक हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल के तौर पर आयनिक यौगिक NaCl जो नमक का फार्मूला है कैसे निर्मित हुआ है, सिर्फ आपको आयनिक यौगिक के बारे में भी थोड़ी सी बात बता रहा हूँ कि सोडियम और के परमाणु क्रमांक 11-2-8-1 का समरूपण है, उसका एक इलेक्ट्रॉन दे करके वो जो है अपना आखिरी कक्षा का एक इलेक्ट्रॉन 2-8 बन जाता है, अष्टक पूरा करता है। क्लोरीन का जो है आप देख रहे हैं कि 17 है, 2-8-7 इलेक्ट्रॉनिक समरूपण, एक इलेक्ट्रॉन को ले करके माइनस चार्ज है वो अपने आखिरी कक्षा को अष्टक पूरा करता है। इस तरह से सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, इस तरह से आयनिक बंध से युक्त सोडियम क्लोराइड NaCl ये जो है इस तरह से आयनिक बंध का निर्माण होता है। तो बच्चों जो है आयनिक बंध, आयनिक यौगिक जो है हम देखते हैं कि आयनिक यौगिक 3 प्रकार के होते हैं, अम्ल, क्षारक तथा लवण। आयनिक यौगिक के अणु के 2 घटक अर्थात केटायन जिसको धन आयन या क्षारीय मूलक कहते हैं और एन आयन जिसको ऋण आयन भी कहते हैं या अम्लीय मूलक भी कहते हैं। ये आयनों में केटायन पर एक धन आवेश और एन आयन पर एक ऋण आवेश, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सोडियम पर धन आयन और क्लोरीन पर ऋण आयन, इनके मध्य जो है आकर्षण बल का अर्थ एक आयनिक आबाध्य जो है होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड में आपने देखा। ये आयनिक
जो है यौगिक जो होते हैं उनका वियोजन का मतलब है वियोजन यानी टूटना। जब कोई ठोस आयनिक यौगिक पानी में घुलने लगता है, आप देखते हैं कि जो नमक या शक्कर या चौक वगैरह जो है आप पानी में डालते हैं तो घुल जाता है। तो जब कोई ठोस आयनिक यौगिक पानी में घुलने लगता है तब पानी के यौगिक के आयनों के बीच में जो हम पानी के अणु हैं और जो यौगिक उनके आयनों के बीच में जा करके एक दूसरे से अलग करते हैं, उनको एक दूसरे को अलग करते हैं। अर्थात जो यौगिक जिस चीज से बना है पानी के अणु जा करके उनको अलग करते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड है, ये जलीय विलयन पानी बनते समय यौगिक का वियोजन होता है, यानी जलीय विलयन जब इसका बन जाएगा ये खुल जाएगा तो यौगिक का वियोजन हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड जब पानी में जब खुलेगा तो सोडियम अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा, यानी सोडियम आयन और क्लोरीन आयन। तो यहाँ पर मेरा टॉपिक जो है इससे आगे है, लेकिन जो है मैं इसको बताना जरूरी इसलिए समझा कि आप बात को समझ जाओ। हमारा टॉपिक आज का जो है यहाँ पर आयनिक वहन या इसको कहते हैं। तो जो है क्या कहते हैं स्क्रीन पर जैसे कि मैं आपको शेयर कर रहा हूं, आयनिक यौगिक और विद्युत चालकता, यहाँ एक कृति लेकर के समझाने की कोशिश है। यानी कहने का मतलब है कि आयनिक यौगिकता समझ गए कि जिसमें जो है धन आयन यानी जिसको हम लोग केटायन कहते हैं, ऋण आयन जिसको हम लोग एनायन कहते हैं, इससे स्वतंत्र रूप से जो मिल करके जो यौगिक निर्माण होते हैं उसको आयनिक यौगिक कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड हमने बताया, और कुछ जैसे कॉपर सल्फेट है या सल्फ्यूरिक एसिड है या सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये सब आयनिक यौगिक हैं। तो यहाँ पर उसकी एक कृति लेकर के आपको समझाने की कोशिश है कि लवण है या प्रबल अम्ल है या प्रबल क्षारक है, इनका जलीय विलयन में संपूर्ण वियोजन होना, इस कारण इन तीनों जलीय विलयन का जो है अधिक मात्रा में धनात्मक या ऋणात्मक आयन होते हैं, इन यौगिकों को हम लोग जो है क्या कहते हैं विद्युत चालक कहते हैं। जैसे कि एक कृति द्वारा यहाँ पर समझाया जा रहा है, यहाँ पर कृति यह है कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसको समझने की जरूरत है कि 50 मिलीलीटर जो है पानी में एक पानी ले 50 मिलीलीटर पानी में जो है 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड यानी ये नमक मिला करके विलयन बनाते हैं हम लोग। तो विद्युत तार लेकर के यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 विद्युत तार लिया है और उसको 6 वोल्ट बैटरी धन सिरे से पर जोड़े, धन सिरे से और ऋण सिरे से, ये 6 वोल्ट बैटरी यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको, ये धन और ऋण सिरे से। दूसरी तरफ जो है मतलब ऋण सिरे से जोड़ने पर एक कुंजी, यहाँ पर एक कुंजी का ले लेते, जैसा कि यहाँ पर कुंजी आपको दिखाई देती होगी, ये कुंजी कुंजी और एक बल्ब लगाएं, यहाँ पर एक बल्ब है आप देख रहे हैं, और जो है तारों के जो खुले सिरे जो दिखाई दे रहे हैं, खुले सिरे बोले तो इसको खिला सिरा कहते हैं, ये यहाँ पर सॉरी खुला सिरा, यहाँ पर खुले सिरे जो है ये खुले सिरे जो है इसमें जो है क्या कहते हैं एक बीकर में हम लोग जो जिसमें हम लोग जो है एक 50 मिली लीटर जो है पानी लिए हैं और उसमें सोडियम का जो है घोल बनाए हैं, उसमें हम लोग इस विलयन में जो है खड़ी स्थिति में जिस तरह से डाला गया है इसमें हम लोग डुबा दें, और कुंजी को जो है जो ऊपर कुंजी या स्विच जिसको कहते हैं हम लोग अगर इसको पुश करें दबाएं यहाँ से दबाएं तो क्या होगा,
मतलब क्या बल्ब जो है जलेगा, हम नोट करें, बिल्कुल जलेगा, बल्ब जल जाएगा, क्योंकि जो है नमक में विद्युत का वहन होता है। और इसी तरह से जो है, और अगर हम लोग इसका विलयन सोडियम क्लोराइड का न लेकर के और दूसरे का ग्लूकोज का या यूरिया का या तनु सल्फ्यूरिक एसिड का H2S4 जिसको कहते हैं, या जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, इस तरह से हम लोग विलयन तैयार करें और फिर नोट करें, तो हमको देखेंगे कि बार बार हम जो है इसमें विलयन में अलग अलग विलयन में इस तरह से करें और देखें, तो हमको पता चलेगा कि जो है क्या कहते हैं किसमें जो है बल्ब जलता है किस विलयन में और किस विलयन में नहीं जलता। तो जब बल्ब जो है जिसमें बल्ब रोशन हो जाता है, ये बल्ब जिसमें ये पता चलेगा कि रोशन हो जाता है, तो बल्ब यानी जल जाता है, तब समझ लो कि जो परिपथ पूर्ण हुआ। ये तभी ये संभव होता है कि जो सोडियम क्लोराइड या सल्फ्यूरिक एसिड या कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट जो लवण है और सोडियम सल्फ्यूरिक एसिड जो अम्ल है, प्रबल अम्ल है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो प्रबल क्षार है, इनमें विद्युत का वहन होता है, और जो है ग्लूकोज और यूरिया जो अगर हम लेते हैं तो उसमें विद्युत का वहन नहीं होता। तो इससे बात पता चलती है कि बिजली जो बिजली के तार हैं, बिजली के तार से जो प्रवाहित होता है वो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। बिजली के तार जो है यहाँ पर आप देखते हैं कि जो तार लगे हुए हैं यहाँ पर, इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। लेकिन विलयन जो होता है, ये विलयन है, विलयन के अंदर हम देखते हैं कि जो है विलयन में बिजली प्रवाहित कार्य जो है कौन करता है, आयन करता है, आयन। अब यहाँ पर बिजली प्रवाहित होना, यहाँ पर कैसे जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है बिजली प्रवाहित हो रही, वो आयन का कार्य होता है। तो विद्युत परिपथ पूर्ण करके बैटरी को हम देखते हैं कि जो है धन अग्र से निकलते जो यहाँ पर, और जो है परिपथ जो धन अग्र से निकलता उसको विद्युत का अग्र यानी इलेक्ट्रोड हम लोग कहते हैं, जो धन अग्र का कार्य करता है, और जो है जो ऋण अग्र का कार्य करता है उसको हम लोग जो ऋण बैटरी से ऋण सिरे से जोड़ा गया है उसको हम लोग जो है उसको हम लोग कैथोड कहते हैं, और जो है जो धन अग्र से जोड़ा गया है, जो धन बैटरी से जोड़ा गया है तब प्लस पॉइंट से, उसको हम लोग धनाग्र या एनोड कहते हैं। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो है यहाँ पर विद्युत चालकता आयनिक यौगिक समझ गए, और ये टॉपिक में और विद्युत चालकता समझ गए। विद्युत चालकता यानी जिसमें जिस विलयन में विद्युत का वहन होता है। मैंने बताया कि यहाँ पर जो मैं एक कृति दिखाई आपके में, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ग्लूकोज में और यूरिया में इसमें विद्युत का वहन नहीं हो रहा है, बाकी जो है सारी चीजों में हम लोग इसको कृति करके देख सकते हैं लैब वगैरह में, तो हमको पता चलेगा कि क्या कहते हैं जो यूं कह लो कि जो है जो यहाँ पर सॉल्ट है यानी नमक है, जो है कॉपर सल्फेट हो या सोडियम क्लोराइड हो, उसमें विद्युत का वहन हो रहा है। जो यहाँ पर जो है प्रबल अम्ल है H2SO4, उसमें यहाँ पर H2SO4 तनु अम्ल जो है वो उसमें हो रहा है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड हो रहा है। ये सब जो है ये क्या कहलाएंगे, विद्युत के चालकता कहलाएंगे। आगे जो है हमारा टॉपिक जो है आज का विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस, इसको समझने की जरूरत है।
यहाँ पर हमने विस्तृत अवगठन करना, यानी जो है बहुत सारी चीजों पहले जानने की, ये प्रैक्टिकली जो है ये क्या होता है विद्युत अपघटन, ये सुनार वगैरह जो होते हैं या किसी चीज पर लेप लगाना, कलई करना या जो है पॉलिश करना, जैसे आप देखते हैं कि लोहे की टिन होती है उस पर लोहे की पिन होती है हम देखते हैं, और उस पर जो है पता चलता है कि वो स्टील के जैसा दिखाई देता है, तो ये विद्युत अपघटन जो है के द्वारा ही संभव होता है। आपको बताते चलो इलेक्ट्रोलाइसिस बहुत सारी चीजों पर, लोहे की चीज होती है चांदी का वो चढ़ा देना, या चांदी की चीज होती है उस पर सोने का पानी चढ़ा देना, ये सारी चीजें जो है इसी जो है विद्युत अपघटन के द्वारा, इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा संभव है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर एक ग्राम जो है हम लोग नीला थोथा यानी कॉपर सल्फेट जिसको बोलते हैं, जो एक लवण है, इसका 50 मिलीलीटर 50 एमएल पानी में एक मिलियन बना लेते हैं, सौ एक बीकर लेते जो बड़ा, इसमें 100 एमएल पानी आ सकता है, उसमें हम लोग 50 मिलीलीटर पानी में एक ग्राम नीला थोथा यानी कॉपर सल्फेट ले करके इसके अंदर एक विलयन तैयार करते, घोल बना लेते, तांबे का छड़ Cu जिसको बोलते हैं कॉपर, और कार्बन का छड़ जिसको C बोलते हैं, यहाँ पर C इसका वो है संकेत है। तांबे के छड़ जो है धन अग्र का कार्य करेगा, क्योंकि कॉपर है जो एक धातु है, धातु अक्सर जो है मतलब इलेक्ट्रॉन खो देने की क्षमता रखता है, इसलिए धनाग्र का कार्य के लिए तौर पर रखा गया, और कार्बन की क्षण को जो है ऋणाग्र के तौर पर यानी कैथोड के तौर पर, और कॉपर को जो है हम लोग कॉपर का एक क्षण लेते, एक रॉड लेते, उसको हम लोग एनोड के तौर पर लेते हैं, और इस तरह से परिपथ को हम लोग पूर्ण करते हैं, जिस तरह से आपको पिक्चर में दिखाया गया है। जो अब परिपथ में कुछ समय तक विद्युत प्रवाहित होने देते, इसको बैटरी से जोड़ देते, हम लोग देख रहे हैं कि जो है धन अग्र को यानी कि जो है एनोड को हम लोग धनात्मक बैटरी के धन उससे जोड़ रहे, और क्या कहते हैं जो कार्बन है जो कैथोड का कार्य कर रहा है, कार्बन की क्षण उसको हम लोग ऋण से जोड़ दिए, बीच में हम लोग जो है क्या कहते हैं गैल्वेनोमीटर लगा देते, कुंजी लगा देते, उससे पता चले कि उसमें करंट फ्लो हो रही है या नहीं, और कुंजी को स्विच ऑन करते, और फिर जो है हम देखते कि क्या होता है, इसमें क्या बदलाव होता है। कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि बिजली प्रवाहित करने पर जो है हम देखते हैं कि जो ऋण अग्र विलयन में डूबे गए भाग पर क्या होता है, तांबे की परत दिखाई देती है, और परिपथ से प्रवाहित होने पर कॉपर जो आयन है धन आवेशित ऋण आवेशित की ओर आकर्षित होती है, यानी कहने का मतलब यह है कि जब यहाँ पर हम लोग जब इसको परिपथ को करते तो यहाँ ये धन आवेशित है कॉपर, इसके जो है आयन जो है कॉपर आप देख रहे हैं यहाँ विलयन में खुल जाते हैं, ये जो हमने नीला तोता का कॉपर सल्फेट का इस विलयन में खुल जाते हैं इसके आयन, और फिर ये धीरे धीरे जो है इस कार्बन के जो है उस पर हमको इसका देखो कलर बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, इस पर आकर के होने लगते हैं। तो इस तरह से जो है हमको ये निष्कर्ष निकलता है, ये जो अभिक्रिया हो रही है कॉपर आयन का सहयोग जो यहाँ पर हो रहा है ऋण अग्र पर दिखने वाला, ये हम लोग रिजल्ट निकालते हैं कि जब भी जो है विलयन में कॉपर आयन इस प्रकार का उपयोग होने पर विलयन का रंग वैसा ही रह जाता है जैसा था, विलयन का रंग में कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन इसका कारण बिजली प्रवाहित होने पर धन अग्र के तांबे के परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल करके बिजली के तार से सहायता से भेजे गए, लेकिन जो है
एक कॉपर आयन है विलयन में आ गए हैं, जो विलयन के अंदर प्रवाहित होने वाले बिजली के प्रवाह के कारण विलयन का विलय अपघटन होता है, यानी जिसे हम लोग विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। यानी जो है कॉपर आयन विलयन में आ गए और वो जाकर के कॉपर की जो है उस पर क्या हो रहे जमा होने लगे। कॉपर जो है चूंकि धन आवेशित आयन है वो ऋण अग्र की ओर यानी कैथोड की ओर आकर्षित होंगे। अक्सर ऐसा ही होता है कि धन ऋण की ही ओर आकर्षित होते हैं, धन धन की ओर आकर्षित नहीं होगा कभी भी। और ऋण अग्र से बाहर निकले हुए इलेक्ट्रॉन जो है ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये कॉपर आयन का संयोग होकर के वो कॉपर धातु जो है परमाणु बन गए। उनकी परत जो है हम लोग ऋण अग्र पर देख सकते हैं या दिखाई देने लगती है धीरे धीरे करके। यहाँ पर कॉपर की ओर जो है सल्फेट SO4 के जो ऋण धन अग्र है ऋण जो है इलेक्ट्रॉन निकल करके वहाँ पर जमा होते हैं। और लेकिन जो है कॉपर का जो है जमा होना इस तरह से ऋण अग्र अभिक्रिया पर जो ऋण यहाँ कैथोड है इस पर कॉपर के जो है आकर के आप देखो यहाँ पर कॉपर के जो है ये सब यहाँ पर आकर के ऋण अग्र पर यानी कैथोड पर आकर के जमा होते हैं और इस तरह से इलेक्ट्रॉन खो देते और इस तरह से जो है दो इलेक्ट्रॉन मतलब बाहर निकल जाता है। कॉपर पर दो पॉजिटिव आयन है, इस तरह से कॉपर धातु जो है की परत इस पर जम जाती है, इस पर कार्बन की छड़ पर। और ऋण अग्र पर ये दो जो है धन अग्र पर सॉरी कॉपर की जो जो एनोड का कार्य कर रही है इस पर ये दो इलेक्ट्रॉन जो है दे करके इस पर भी कॉपर जो है की धातु ये रह जाती है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हम हमारे दैनिक जीवन में इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना ये सब जो है इसी इलेक्ट्रोलाइसिस यानी विद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है। मतलब किसी चांदी की चीज़ों पर सोने का पानी चढ़ा देना या और लोहे की चीज़ों पर चांदी का पानी चढ़ा देना ये इलेक्ट्रोलाइसिस यानी विद्युत अपघटन के द्वारा संभव होता है। इस तरह से हम लोग धनाग्र और ऋणाग्र का कार्य करके मतलब क्या कहते हैं हम देखते हैं कि इस तरह से जो है विद्युत अपघटन करके हम लोग जो है ये अभिक्रिया करा करके जिस चीज़ का चाहते हैं पानी उस दूसरे चीज पर हम लोग जो है चढ़ा करके इस तरह से जो है उसका मतलब दैनिक जीवन में इसका उपयोग करते हैं विद्युत अपघटन का। आगे का जो टॉपिक है हमारा आज का पानी का विद्युत अपघटन, पानी का विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो यहाँ पर जैसे कि आपको इसको थोड़ा सा बड़ा कहूँ ताकि आपको गौर से दिखाई दे। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एक कृति करके समझाने का मतलब है, यानी कि जो है आप पहली बात तो ये जान लें कि पानी जो है शुद्ध पानी वो जो है उसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता। शुद्ध पानी में जो हम पानी पीते हैं उसको हम लोग थोड़ा से जो है क्या करते हैं उसमें हम लोग शुद्ध पानी को यूँ कह लो कुचालक कह सकते हैं, उसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। लेकिन अगर इसको जो है हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो इसमें पानी में एक आधा लीटर पानी ले लें शुद्ध पानी ले लें उसमें दो चम्मच या दो ग्राम यूँ कह लो हम लोग थोड़ा सा नमक उसमें मिला दें। अब जो है इसको हम लोग एक उतने ही बड़े बीकर में आधा लीटर वाले एक बीकर में जो है इसका जो है पाव लीटर विलयन लेकर के
देखते कि जो है क्या होता है। विलियम, हम देखते हैं कि ऊर्जा स्रोत के धन और ऋण अग्र को बिजली के दो तारों द्वारा जोड़ देते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बैटरी से इसका जो है क्या कहते हैं एक रोधक आच्छादन जो है, मतलब एक तार जो है दो तारों से जो है धन बैटरी और ऋण बैटरी से इनको जो है एक धन बैटरी और धन जो उसका और ऋण इसको जोड़ करके हम लोग जो है इसको जो है इसमें इसमें इस स्पीकर में डालते हैं इसके खुले वाले सिरे को, जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है। और तो प्रखनली लेते हैं जिसको टेस्टी आप कहते हैं, प्रखनलिया लेकर के इस नमक विलयन में जो है, ये नमक का विलयन है, इसमें लबालब जो है इसमें जो भरा हुआ है इसको उल्टा डुबाते इसमें। और जो है ये प्रखनलिया बिना हवा के, जब हवा ना होने पाए इसमें जो है, और इसको इन विद्युत अग्र जो है ऋण वाला और धन वाला, ऋण वाला जैसा कि दिखाई दे रहा है और धन वाला, इसके ऊपर हम लोग डुबाते और पावर जो है सप्लाई करते हैं। 6 वोल्ट बैटरी वाला पावर लेते जैसा कि पहले भी लिया था। और इसमें थोड़ी देर हम इसको परवाह जो है बैटरी को स्विच ऑन, मतलब जो है स्विच ऑन कर देते। थोड़े समय के बाद हम देखते हैं क्या होता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर ऊपर की जो कृति दिखाई दे रही है इसमें हम देखते हैं कि प्रखनलियों के विद्युत अग्रों के पास हमको बुलबुले, यहाँ पर बुलबुले नजर आ रहे हैं। आप देख लें यहाँ पर दोनों के पास बुलबुले नजर आते हैं, बिल्कुल हाँ बुलबुले नजर आ रहे हैं, आप देख रहे हैं। ये गैस जो है पानी से हल्का होता है तभी ये बुलबुले ऊपर की तरफ जाते हैं प्रखनली में। और दोनों प्रखनलियों में बुलबुले का आयतन जो है अलग अलग दिखाई देगा। बुलबुले जो किसी में ज्यादा बुलबुले दिखाई दे रहे हैं, किसी में कम बुलबुले दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये समझाने की कोशिश है कि यहाँ ऊपर की ये कृति में कि यहाँ पर ये ध्यान में आता है कि ऋण अग्र पर बने बुलबुलों की आयतन धन अग्र बुलबुलों की आयतन की तुलना में दोहरा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ऋण, यहाँ पर जो बुलबुले हैं ये डबल टाइम है इसकी तुलना में, धन अग्र की तुलना में। इससे स्पष्ट होता है कि पानी का विद्युत अपघटन हो करके उसके घन घटक तत्व मुक्त हो जाते हैं। जो जब भी पानी का हम लोग जो है इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो उसके घटक तत्व जो है मुक्त हो जाते हैं। घटक तत्व, पानी का घटक तत्व क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, आप बेहतर ही जानते हैं। तो इनका जो है आप देखते हैं कि जो है ऋण अग्र जो जब बैटरी के ऋण उससे जोड़ा गया है, इस पे पानी जो है दो इलेक्ट्रॉन लेकर के चलता है कि जब हाइड्रोजन गैस जो बाहर निकल रही है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये हाइड्रोजन गैस है, H2 गैस जिसको बोलते हैं, और हाइड्रोक्साइड जो विलयन है वो पानी में घुल जाता है। और धन अग्र पर भी जो है पानी का जो है विलयन है जो यहाँ पर है, ये जो है ऑक्सीजन गैस धन अग्र पर, क्योंकि अब ऐसा क्यों होता है कि हाइड्रोजन जो है धनात्मक आयन होता है तो वो ऋण अग्र पर जमा होगा। और ऑक्सीजन जो है आपको खूब पता है कि आधातु है और ऋण आयन है, तो वो जो है धनात्मक आयन पर, धन यानी कि जो है एनोड पर जाके जमा होगा। ऑक्सीजन गैस यहाँ पर जमा होगी और इस तरह से जो है उसके जो है हाइड्रोजन जो है विलयन पानी में, और ये 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर
इसका जो है एक वो बनाया गया है, साड़ी बनाई गई है, संबंधित कुछ अग्रह क्रिया दिखाई दे रही है कि ऋण अग्र पर हाइड्रोजन के दो पानी के दो इलेक्ट्रॉन दो जो है जमा होते हैं। हाइड्रोजन गैस जो है उस पर डबल मात्रा में और OH हाइड्रोक्साइड जो विलयन एक्यूएस यानी पानी का विलयन जिसको बोलते हैं, एक ये समीकरण तैयार होता है। और जो है धन अग्रह यानी एनोड पर जो है पानी जो इसका एक अणु, तो इस तरह से पानी के दो अणु, तो ऑक्सीजन गैस जो है धन अग्रह यानी एनोड पर और 4 times हाइड्रोजन जो पानी का विलयन और 4 electrons जो है उसमें और जो है बाहर निकलते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि जो है पानी का विलयन का पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है तो हमको जो है ये सारी चीजें जो है देखने को मिलती है कि उस पानी का विद्युत अपघटन करने पर पानी का ऐसे नॉर्मली विद्युत अपघटन नहीं हो सकता, तो उसका हम लोग उसमें 2 gram जो है इसमें थोड़ा से वो डाल देते हैं तो विद्युत का उसमें वहन हो सकता है जब नमक मिला दिया गया। तो अब पानी का विद्युत अपघटन हुआ तो जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वो जो है वियोजन हो गया। तो बच्चों जो है यहाँ हमको जो टॉपिक दिया गया था उससे रिलेटेड आज मैंने जो है आपको ये 3 topics बताए, एक आयनिक यौगिक और विद्युत उसका वहन या जो है इसको संचरण करना या वितरण करना, दूसरा विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस और एक पानी का अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, मैंने उसको बताने की कोशिश किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और जो है क्या कहते हैं इससे रिलेटेड फिर से मैं कुछ बातों को जो है दोहरा सकता हूँ ताकि आपको भली भांति समझ में आ जाए कि इलेक्ट्रो जो है इस तरह से जो है इलेक्ट्रोलिसिस शुद्ध पानी का जो हम करते हैं तो वो क्योंकि कुछ अलग होता है, इसके कारण हम जो है पानी का विचरण बहुत कम मात्रा में होता है। विचरण कारण बनने पर एच आयन और OH आयन यानी हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता जो है वो 1×10⁻⁷ मोल प्रति लीटर इतनी होती है शुद्ध पानी की, किंतु पानी में थोड़ी सी अगर लवण यानी नमक या तीव्र अम्ल या तीव्र क्षारक मिलाने पर विचरण पानी का विचरण जो है बहुत अधिक होगा और यह विद्युत वाहकता बढ़ जाएगी इसके कारण, और इस कारण जो है पानी का विद्युत अपघटन होने लगता है। तो बच्चों जो है क्या कहते हैं इस तरह से जो है हम लोग ने पानी का भी विद्युत अपघटन देखा और उसके पहले हमने विद्युत अपघटन क्या क्या क्यों करते हैं और कैसे होता है ये देखा, उसका भी कृति देखी, और जो है आयनिक यौगिक और विद्युत चालकता, आयनिक यौगिक यानी जो है आयनिक यौगिक क्या है और आयनिक और कौन कौन से जो है चीजें जो है विद्युत चालकता होती, कौन कौन से आयन तो इसमें हमने देखा नम वाले जो लवण होते हैं चाहे क्या कहते हैं कॉपर सल्फेट हो चाहे सोडियम क्लोराइड हो ये सब जो है और या तीव्र अम्ल हो या तीव्र क्षारक हो ये सब जो है इसमें जलीय विलयन में विद्युत का विद्युत के वाहन होता है या विद्युत चालक कहलाते हैं या विद्युत संचरण होता है इसमें। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। जो है अगर कोई डाउट है तो जरूर आप लोग पूछ सकते हैं।
क्या कहते हैं वापस से मैं किसी को कोई प्रॉब्लम पूछ रहा है बच्चों, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मोर में जा करके वहां रेज हैंड कर सकता है, वहां रेज हैंड का कॉलम रहता है। एनी डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं है? जो है उम्मीद करता हूँ कि जो हम लोग क्षारक और लवण एसिड बेस एंड सॉल्ट में जो आज टॉपिक दिया गया था हमको आयनिक यौगिक और विद्युत चालकता और जो है विद्युत अपघटन और पानी का विद्युत अपघटन, ये टॉपिक में आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा कि आयनिक यौगिक क्या है और विद्युत चालकता अर्थात आयनिक यौगिक का अगर विलयन तैयार किया जाए तो उसमें जो है विद्युत का वहन होता है, जैसे कि आपको बताया। फिर इलेक्ट्रोलाइसिस यानी विद्युत अपघटन क्या है और शुद्ध पानी का जो है विद्युत वहन न होकर के उसमें कुछ 2 ग्राम नमक मिला करके उसका विद्युत किया जाता है, विद्युत अपघटन किया जाता है। पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है, उसका किस तरह से ये पता चलता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ, उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं। बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी और कुछ रिलेटेड इससे क्वेश्चन रहेगा तो आगे आप पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, आप सभी का धन्यवाद। चलो।